दोस्तों आज का पौधा हमारा मोगरा का पौधा है, जिसको कि बेला, चमेली, जासमीन कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों गर्मियों का ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, लेकिन अक्सर इस पौधे पर फ्लावरिंग बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, या एक बार होने के बाद दूसरी बार फ्लावरिंग इस पर स्टार्ट ही नहीं होती है। तो दोस्तों इसकी मेन वजह पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का होना होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इस चीज़ को मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल करूंगी, और इसके इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे पर कलियां अगर नहीं बन रही हैं तो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ में गर्मियों में मोगरा के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है ये भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसे हमें अपने मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपके मोगरा के पौधे पर कलियाँ नहीं बन रही हैं तो सबसे पहले आप पानी का ध्यान रखें अपने पौधे पर, क्योंकि मोगरा के पौधे को अधिक पानी की ज़रूरत होती है जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज होती है। क्योंकि अगर आप पौधे को कम पानी देंगे तो वो ऊपरी ही लेयर पर पानी सूख जाएगा और पौधे की मेन जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से जड़ें मिट्टी से पानी के द्वारा पोषक तत्वों को लेकर पौधे के हर भाग में नहीं पहुंचा पाएंगी और उस पौधे पर कलियां नहीं बन पाएंगी। इसलिए आप गर्मियों में सुबह और शाम दो बार अपने मोगरा के पौधे को पानी दें, लेकिन पानी ओवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ों में फंगस आ जाएगी। दोस्तों मोगरा से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए दूसरी चीज धूप का ध्यान रखना है, क्योंकि मोगरा के पौधे को जब 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है तो मोगरा के पौधे की सबसे पहले तो पत्तियां पीली होने लगती हैं और जो ऊपर का टिप पोर्शन होता है वो जलने लगता है। इसलिए इस समय आप अपने मोगरा के पौधे को या तो बगीचे के बड़े पौधों के बीच में रखें, या फिर सुबह की 1 से 2 घंटे की सिर्फ धूप दिखाने के बाद में कहीं शेड वाली जगह पर रख लें। दोस्तों अगली चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपके मोगरा के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर एक बार होने के बाद में फ्लावरिंग रुक गई है, तो सबसे पहले आप अपने पौधे की हल्की सी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि जब आप प्रूनिंग करेंगे तो वहां से नई नई ब्रांचें निकलेंगी और उन्हीं ब्रांचों पर कलियां बनेंगी। क्योंकि मोगरा के पौधे पर किसी भी पुरानी ब्रांच पर कली नहीं आती है, नई ब्रांच पर ही कली आती है। दोस्तों अगली चीज़ है कि समय समय पर, यानी कि हर 15 दिन के अंतर पर, आप अपने मोगरा के पौधे को कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, क्योंकि मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसमें पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाती है तो पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं। तो इसलिए हर 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे को कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऐसी फर्टिलाइज़र दें जो कि पौधे की मिट्टी से मैग्नीशियम की कमी को दूर करती रहे, क्योंकि जब मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधे में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, जिस वजह से पौधा स्वस्थ नहीं रहता है और उस पर फूल या फल नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ गर्मियों में मोगरा के पौधे के लिए ऐसी केयर टिप्स, जिनको कि अगर आप ध्यान में रख के अपने मोगरा के पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके मोगरा के पौधे पर कलियां बनने लगेंगी। दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमें अपने मोगरा के पौधे को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक देनी है और किस तरीके से देनी है। तो सामने आप जो ये 3 चीज़ें देख रहे हैं, आज इसी को मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र देने से पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर लें, ज़्यादा डीप गुड़ाई गर्मी का समय है नहीं करना है, नहीं तो जड़ों को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा जो भी सूखी पत्तियां हों या किसी भी तरीके का अगर मिट्टी में खरपतवार उगाया है तो उन सभी चीज़ों को गमले की मिट्टी से बाहर कर दें। अब अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, या फिर आप काउडंग मेन्योर को ले लें। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो किचन में मिलने वाली, जो सभी के किचन में बहुत आराम से मिल जाती है, लगभग 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो चाय की पत्ती अच्छी तरीके से धोकर सूखी हुई होनी चाहिए, और जब आप लें तो इसकी लगभग 4 गुनी लें, क्योंकि उसमें लगभग 70% पोषक तत्व तो बाहर निकल चुके होते हैं चाय बनाने में। तो दोस्तों चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ बहुत से
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और अकेली इसमें 4% नाइट्रोजन पाई जाती है जिसकी वजह से पौधे में क्लोरोफिल अधिक मात्रा में बनता है और पौधा काफ़ी स्वस्थ हरा भरा रहता है, जिस वजह से उस पौधे पर कलियाँ अच्छी मात्रा में बनती हैं। अब इसमें दूसरी चीज़, आप लगभग एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। तो दोस्तों, हल्दी पाउडर में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसकी वजह से पौधों में रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, और गर्मी की वजह से कमज़ोर हो रहे पौधे जिनकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी होती हैं वो हल्दी पाउडर को पाने से मजबूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें मिट्टी से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को आसानी से लेने लगती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आप आपस में मिला लें और गमले की गुड़ाई करी हुई मिट्टी में मेन जड़ को छोड़कर किनारे की तरफ चारों तरफ धीरे धीरे करके इसको मिला दें, क्योंकि पौधे की जो फीडर्स रूट्स होती हैं जो भोजन को मेन रूट्स तक पहुंचाती हैं वो किनारे की तरफ ही होती हैं। अब दोस्तों, लास्ट में आपको पानी की जगह पर नींबू के छिलकों का पानी देना है, क्योंकि इस पानी से मिट्टी हल्की सी अम्लीय हो जाएगी और अम्लीय मिट्टी से पौधे की जड़ें जो हैं वो पोषक तत्वों को काफ़ी आसानी से ले सकेंगी, क्योंकि मोगरा के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए हल्की सी अम्लीय मिट्टी ही काफ़ी पसंद होती है। तो दोस्तों, इस पानी में यानी कि नींबू के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों में माना जाता है। इसी के साथ में इसमें जो साइट्रिक एसिड पाया जाता है उसकी वजह से मिट्टी हल्की सी अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय मिट्टी में पौधे की जड़ें पोषक तत्वों को आसानी से लेती हैं और पौधे के हर भाग में पहुँचाती हैं जिसकी वजह से पौधे पर कलियाँ जल्दी बनने लगती हैं। नाइट्रोजन की वजह से पौधा हरा भरा रहता है, पोटेशियम की वजह से उस पर कलियां अधिक मात्रा में आती हैं, साथ ही कैल्शियम की वजह से पौधा काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसको तैयार करने के लिए आप आधा लीटर साफ पानी ले लें और उसमें 2 सूखे नींबू के छिलकों को डालकर 6 से 7 घंटे के लिए हवादार जगह पर छांव वाली रख दें। तो दोस्तों, इतनी देर में इसके छिलके के जो भी पोषक तत्व हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे। अब आप पानी को छान लें और उसमें आप लगभग 2 गुना साफ सादा पानी मिलाकर पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। तो दोस्तों, इस नींबू के छिलके का पानी आपको महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, और इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आपको हर 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत जल्दी हरा भरा होने लगा है, साथ में उसमें जो अभी तक कलियाँ नहीं बन रही थी वो कलियाँ बननी भी स्टार्ट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।